तो इस पोम का नरेटर एक छोटा सा बच्चा है जिसके फादर ने उसे उसकी छोटी सी उम्र में मास्टर चिमनी सीपर को बेच दिया था चिमनी की सफाई के लिए पोम की जो ऑथर है वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे तो इंग्लैंड का मौसम बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है तो वहां के लोग क्या करते थे वो लोग अपने आप को गर्म करने के लिए चिमनी का यूज करते थे और इन चिमनीज की सफाई के लिए वो बच्चों को हायर करते थे यानी कि छोटे बच्चों को हायर करते थे जिनसे वो आसानी से इस चिमनी की सफाई करवा सके मगर अकॉर्डिंग टू तो विलियम ब्लेक ये एक चाइल्ड लेबर है तो विलियम ब्लेक ने इन वेल्दी पीपल को इस फॉम में क्रिटिसाइज किया है तो आगे बढ़ने से पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं विलियम ब्लेक विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पेंटर एंड प्रिंट मेकर रह चुके हैं और ये इंग्लिश लिटरेचर एंड आर्ट के मोस्ट इन्फ्लुशियल फिगर्स माने जाते थे विलियम ब्लेक अपने एक यूनिक स्टाइल से बहुत ज्यादा फेमस थे जहां पर वो आर्ट एंड लिटरेचर का ब्लेंड करते थे और उनके ज्यादातर थीम सोशल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल होते थे His most famous works include Songs of Innocence and of Experience, The Marriage of Heaven and the Hell, and The Book of Urizen. अब बात करें इस पोम के स्ट्रक्चर की तो ये पोम 1789 में विलियम ब्लेक के कलेक्शन Songs of Innocence में पब्लिश की गई थी और इसी नाम की एक और पोम है जो के विलियम ब्लेक के Songs of Experience में पब्लिश हुई थी। इस पोम में टोटल 24 फोर लाइन्स है जिसको सिक्स स्टांजा में डिवाइड किया गया है और हर स्टांजा में फोर लाइन्स है और हर स्टांजा की राइमिंग स्कीम है डबल ए एंड डबल बी एंड इस पोम की थीम है चाइल्ड लेबर एंड एक्सप्टेशन इनोसेंस विसेस विस करप्शन होप एंड ऑफ ऑर्गेनाइज रिलीजियन एंड सोसाइटी सो लेट स्टार्ट रीडिंग दिस फर्स्ट स्टैंडा

तो जैसे कि मैंने बताया है इस पोम का नैरेटर एक छोटा सा बच्चा है तो ये बच्चा यहाँ पर बताता है अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जब मेरी मदर की डेथ हुई थी तब मैं बहुत ही छोटा सा था और मेरे फादर ने क्या किया मेरे फादर ने मुझे बेच दिया इतनी छोटी सी उम्र में मुझे बेच दिया गया जब मुझे सही से बोलना भी नहीं आता था और स्वीप की जगह मैं रॉन्गली प्रोनाउंस करता था वीप और वेब्ड सो योर चिमनीस आई स्वीप एंड इन सूट आई स्वीप इसका मतलब है मैं तुम्हारी चिमनियों को साफ करता हूँ और सूट दैट मीन चिमनी से निकलने वाली ब्लैक एश यानी कि राख उसमें सोता हूँ let's see the second stanza. There is little Tom डे who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved. So I said, "Hush, Tom. Never mind it. For when your your head's bare, you know that the suit cannot spoil your white hair." अब यहां पर इस चिमनी की सफाई करने के लिए एक नया लड़का आता है जिसका नाम है टॉम डेकर और टॉम डेकर जो है वो यहाँ पर रो रहा होता है क्योंकि उसके बाल को एक भेड़ की बाल की तरह काट दिया जाता है तो यहाँ पर जो छोटा सा नैरेटर है वो इस टॉम डेकर को समझाता है चुप हो जाओ कोई बात नहीं है अगर तुम्हारे बाल काट दिए गए हैं क्योंकि तुम जानते हो जो चिमनी से निकलने वाला सूट है वो तुम्हारे व्हाइट बालों को खराब नहीं करेगा यानी कि तुम्हारे जब बाल ही नहीं होंगे तो ये सूट तुम्हारे बालों को खराब नहीं करेगा Now, let's see the third stanza. And so he was एंड सो ही very क्वाइट एंड Tom नाइट sleeping, he had such a sight.

उस ड्रीम में वो हजारों चिमनी स्वीपर्स को देखता है जैसे कि डिक जो नेड एंड जैक, जो कि दूसरे चिमनी स्वीपर्स हैं, जिन्हें एक काले रंग के कॉफिन में बंद कर दिया गया था नॉलेट सी दल हुई एंड ही ओपन द coffins एंड सेट देम ऑल फ्री एंड देन डाउन अ ग्रीन प्लेन लीपिंग लाफिंग दे रन एंड वॉश इन अ रिवर एंड शाइन इन द सन अब यहाँ पर ये यह नारेटर जो है इस स्टैंडा में टॉम के ड्रीम को कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि इस टॉम के ख्वाब में एक एंजल आते हैं जिसके पास एक चमकती हुई चमकदार चाबी होती है यानी कि की होती है और वो एंजल उस चमकती हुई चाबी से यानी कि की से उन कॉफिन को खोल देते हैं और उन सभी बच्चों को आज़ाद कर देते हैं जो कि उस कॉफिन में बंद कर दिए गए थे और सब बच्चे आजाद होने के बाद क्या करते हैं वो खुशी से एक ग्रीन मैदान में, में। वो हंसते हुए दौड़ रहे थे कूद रहे थे और नाच रहे थे रिवर में नहा कर धूप में चमक रहे थे शाइन कर रहे थे They rise upon clouds and 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 sport in the wind. And the wind. angel told Tom, if he would, he would 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 be a good boy, he would have God for his father and never want joy. का मतलब है, वो सारे बच्चे उस रिवर में नहा कर वाइट हो चुके थे और अपने बैग्स के जो बोझ था उन चिमनियों का जो बोझ था वो सामान था उसे भी पीछे छोड़ आए थे और वो सब बच्चे आसमान में बादलों तक उड़ने लगे थे और खुशी से नाच रहे थे हवा में खेलने लग रहे थे चिमनी की सफाई के, के बोझ से आजाद हो चुके थे अब जो एंजल था वो टॉम डेकर से कह रहा था कि अगर वो अच्छे बच्चे बन जाए तो गॉड उसके फादर बन जाएंगे और वो हमेशा हमेशा खुश रहेंगे नी द लास्ट एंसर एंड सो टॉम अवोक एंड इन द डार्क एंड गॉड विथ अवर बैग एंड अवर ब्रशेज टू वर्क Though the morning was was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. उठ गए. इन द ड मतलब के इतनी जल्दी के अभी सुबह भी नहीं हुई थी एंड अपने बैग एंड ब्रशेस के साथ हम अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो गए थे जो कि और हमारा काम क्या था चिमनी की सफाई करना द मॉर्निंग वॉज कोल्ड टॉम वॉज हैप्पी एंड वाम इसका मतलब है कि वो जो सुबह थी वो बहुत ही ज्यादा ठंडी थी लेकिन टॉम बहुत ही ज्यादा खुश था So if all do their duty, they need not fear harm. यहाँ पर एंजल ने टॉम को बताया था कि हम अपनी ड्यूटी को अगर अच्छी तरह से करेंगे तो हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और हमें डरने की कोई जरूरत नहीं तो विलियम ब्लेक ने स्पोम के थ्रू उन बच्चों की डिफिकल्टीज को दिखाया है और वेल्दी पीपल को क्रिटिसाइज किया है सो द छिमनी स्वीपर कंडेम्स एक्सप्लाइटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड सोसाइटीज़ हेपोक्रेसी अर्जिंग अवेयरनेस ऑफ सोशल इनजस्टिस दिस इज ऑल फॉर टूडे वीडियो द छिमनी स्वीपर बाय विलियम ब्लेक आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू स्टेट प्रमो वीडियोज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग